केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के चुनाव प्रचार में नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने डॉक्टर सम्मेलन में बगैर नाम लिए उद्धव ठाकरे पर बड़ा तंज कसा। सीएम शिंदे ने कहा कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन करीब 1.5 साल पहले उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया था और कुछ लोगों के कमर और गर्दन पर लगे पट्टे हटा दिए थे और उस ऑपरेशन के बाद लोग उन्हें डॉक्टर शिंदे भी कहने लगे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में डॉक्टर शिंदे की सर्जरी की गूंज। डॉक्टर नसलो तरी मोठा ऑपरेशन 1.5 वर्षापूर्वी केलेला आहे। डेढ़ साल पहले शिंदे ने की कौन सी सर्जरी? सियासत के डॉक्टर शिंदे का उद्धव पर तंज। पीएम मोदी की 400 प्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए नागपुर पहुंचे सीएम शिंदे ने पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए रोड शो किया। रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रोड शो के बाद शिंदे नागपुर में पहुंचे डॉक्टरों के एक सम्मेलन में, जहां संबोधन में शिंदे ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। शिंदे ने कहा कि वो डॉक्टर तो नहीं, लेकिन 1.5 साल पहले उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया, कुछ लोगों की कमर और गर्दन के पट्टे हटा दिए। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने चुटकी लेते हुए यहाँ तक कह डाला कि उस घटना के बाद डॉक्टर श्रीकांत नहीं, डॉक्टर एकनाथ शिंदे कहते हैं। डॉक्टर नसलो तरी मोठा ऑपरेशन 1.5 वर्षापूर्वी केलेला आहे। काही लोकांचे बरेचसे गळ्याचे पट्टे उतरून टाकले। डॉक्टर श्रीकांत डॉक्टर एकनाथ शिंदे। दरअसल सीएम शिंदे 1.5 साल पहले महाराष्ट्र की सियासत की जिस सर्जरी की चर्चा कर रहे थे, उसमें जून 2022 में शिंदे और कई विधायकों ने तब के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिंदे गुट के 40 विधायकों ने शिवसेना में बड़ी टूट को अंजाम दिया, जिससे महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन एकनाथ शिंदे खेमा बीजेपी के सपोर्ट में सरकार बनाने में सफल रहा और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए। सीएम शिंदे ने सरकार तो बना ली, लेकिन दोनों गुट ने दल बदल विरोधी कानून के तहत एक दूसरे के खिलाफ स्पीकर के सामने याचिकाएं दायर करते हुए एक्शन की मांग की। वहीं उद्धव के नोटिस पर शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहीं पिछले साल मई में एससी ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को याचिकाओं पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम और धनुष तीर चुनाव निशान अलॉट कर दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को मशाल के साथ शिवसेना यूबीटी नाम दिया था। महाराष्ट्र की सियासत में हुई 1.5 साल पहले की सर्जरी के बाद अब उद्धव गुट विपक्ष में है, तो शिंदे बीजेपी के साथ एक बार फिर लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। जाहिर है सीएम शिंदे की सर्जरी वाले बयान के जरिए उद्धव ठाकरे पर किए गए हमले के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर वार पलटवार शुरू होने वाला है।